दोस्तों आप एक्टिवा 7G के नए फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होंडा से लिखी हुई खबरों के मुताबिक होंडा एक्टिवा 7G अक्टूबर के बाद इंडिया में लॉन्च कर सकता है। अगर आप एक्टिवा 7G के नए फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एक्टिवा 7G के नए फीचर के बारे में बताएंगे। होंडा से लिखी हुई खबरों के मुताबिक होंडा एक्टिवा 7G में निम्न नए फीचर है जो एक्टिवा 7G में देखने को मिल सकते हैं। पहला नया फीचर है स्मार्ट की फंक्शन। दोस्तों लिख खबर के मुताबिक एक्टिवा 7G में स्मार्ट की फंक्शन ऐड किया जा सकता है। एक्टिवा के की फंक्शन में LED लाइट देखी जा सकती है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगी। अगर होंडा एक्टिवा 7G में यह फीचर दिया जाता है तो यह सबसे अलग फीचर होगा जो होंडा एक्टिवा का सबसे शानदार फीचर होगा। एक्टिवा 7G का दूसरा फीचर है एंटी थीफ सिक्योरिटी अलार्म। खबर की माने तो एक्टिवा 7G में एंटी सिक्योरिटी अलार्म का फंक्शन दिया जा सकता है जिससे एक्टिवा चोरी होने से बचाया जा सकता है। यह भी एक्टिवा 7G का नया हिस्सा हो सकता है। एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो एक्टिवा 7G में देखने को मिल सकता है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। तीसरा फीचर है डिजिटल डेस्क बोर्ड। एक्टिवा 7G में डिजिटल डेस्क बोर्ड यानी डिजिटल स्पीडमीटर का ऑप्शन दिया जा सकता है। डिजिटल स्पीडमीटर भी होंडा एक्टिवा 7G का एक बेस्ट फीचर हो सकता है। चौथा नया फंक्शन है जो एक्टिवा 7G में देखने को मिल सकता है वह है डिस्क ब्रेक। एक्टिवा 7G में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। पांचवा नया फंक्शन है स्मार्ट LED। दोस्तों एक्टिवा 7G में स्मार्ट LED का फंक्शन देखने को मिल सकता है जो एक्टिवा 7G को बिल्कुल एक नया रूप देगा। एक्टिवा 7G में LED लाइट देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगी। आगे और पीछे एक्टिवा 7G में LED में अंतर देखा जा सकता है जो 6G से अलग होगा। इसके अलावा भी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम सेफ स्टार्ट एंड और भी सिस्टम जो एक्टिवा 6G में थे वह एक्टिवा 7G में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं पर खत्म होता है। अगर आप एक्टिवा 7G के बारे में और भी नया अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।